नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जैन मेडिकल डॉक्टर्स का अमानवीय चेहरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मेडिकल की इमरजेंसी के अंदर दो अज्ञात घायल मरीजों को उनके हाथ और पैर बेड पर बांध कर लिटा रखा है। मरीज लगातार तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा महिला जूनियर डॉक्टर के साथ अभद्रता के बाद बृहस्पतिवार की सुबह से ही जेएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में सभी काम ठप हुआ पड़ा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी जूनियर डॉक्टर्स पर ही डिपेंड करती है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल की इमरजेंसी में किसी भी मरीज को नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई मरीज भर्ती भी हो रहा है या पहले से इलाज ले रहा है, उसे देखने वाला कोई भी नहीं है, जिसका जीता जागता नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए इन दो बेड पर मरीजों को मेडिकल की इमरजेंसी पर क्या हाल किया हुआ है। दोनों मरीजों के हाथ पैर को बांधा हुआ है। एक मरीज बेहोशी हो चुका और दूसरा लगातार दर्द से तड़प रहा है, लेकिन उसकी खोज खबर लेने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों घायल ट्रेन एक्सीडेंट में मेडिकल में भर्ती कराए गए हैं, जो अभी अज्ञात हैं। रेलवे पुलिस वाले लेके आए थे। कब लाए थे इनको? ये 28 तारीख को आया था एक तो, हाँ, और एक 27 को आया। अच्छा, क्या लग रहा है, ट्रेन से कटे हुए हैं? कैसे? ट्रेन से गिरे हुए। लेकिन मेडिकल कॉलेज के सीएमओ क्या कह रहे हैं? सीएमओ का कहना है कि इन दोनों घायलों के हाथ पैर इस वजह से बंधे पड़े हैं क्योंकि इमरजेंसी में पड़े बेडों की साइड में कोई सपोर्ट रेलिंग नहीं है, क्योंकि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाएगा तो वह गिर जाएंगे, जिससे उनको चोट आ जाएगी। और आगे कहा कि कोई डॉक्टर उनके पास 24 घंटे तो बैठ नहीं सकता, मरीज का तीमारदार ही बैठ सकता है। यानी सीएमओ का साफ साफ कहना है कि अगर कोई मेडिकल में अज्ञात या अकेला व्यक्ति इलाज कराने पहुंचेगा तो उसको इसी तरह से इलाज किया जाएगा। देख लीजिए मोदी जी और योगी जी, आप स्वास्थ्य विभाग पर इतना घमंड करते हैं और करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स आपकी सुनने वाले नहीं हैं। सर, दो पेशेंट यहाँ पड़े हुए हैं लावारिस की हालत में, उनका इलाज नहीं हो रहा, पैर बांध रखे, क्या है मामला? और उनके ट्रीटमेंट कार्ड बने हुए हैं, आज की ट्रिप जो है पूरी हो चुकी है, इंजेक्शन लग चुके हैं और फर्दर ट्रीटमेंट जो अब इवनिंग का है वो शुरू होगा और उनका इलाज होगा। जो डॉक्टर जी डॉक्टर की जो स्ट्राइक है उससे कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, सीनियर डॉक्टर तो देख रहे हैं और सीनियर रेजिडेंट भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, घायलों के हाथ पैर क्यों बांधे गए हैं? हाथ पैर भाई उनके साथ में कोई नहीं है ना, तो हमारे कुछ स्ट्रेचर्स में जो हैं साइड वो नहीं है, साइड गार्ड्स नहीं है, तो इसलिए कभी वो गिर जाएं उनके चोट वोट लग जाए, इसलिए पैर वगैरह सब उतरी हुई है और पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं, वो तड़प रहे हैं, उनके पास कोई नहीं, अब उनके पास कोई मुस्तकिल तो बैठ नहीं सकता है ना। ये तो आप भी अपने मरीज के पास 24 घंटे नहीं बैठ सकते। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने कहा है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, अगर ये ऐसे करेंगे तो कोई भला कैसे किसी पर विश्वास करेगा, ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं अलीगढ़ प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने मामले को संज्ञान में ले लिया है, हालांकि उन्होंने कोई कार्रवाई जैसी बात नहीं की है। सर अभी भी मौजूद है, सीएमओ का ये कहना है कि ये उपचार का ये तरीका उपचार में यूज किया गया है। मंत्री जी की गाड़ी भी आराम से निकल जाया करेगी, मंत्री जी के गाँव की सड़क बन जाएगी, मंत्री